अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को मारा चाकू, लूटे आभूषण। बस्सी भीलवाड़ा मार्ग पर नेगड़िया चौराहे पर अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को डरा धमका कर युवक को चाकू लगा दिया और सोने की रामनामी लेकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि खिचला थाना शामगढ़ एमपी निवासी माँ बेटे रिश्तेदारों से मिलकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नेगड़िया के पास उनकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई और उसी समय दो बदमाश बाइक ठीक करने के बहाने नजदीक आए और युवक की गर्दन पर चाकू मारकर रामनामी लेकर मौके से फरार हो गए। उसके पश्चात पीड़ित माँ बेटे प्राथमिक उपचार करवाकर बस्सी थाने में पहुँच अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बस्सी पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश प्रारंभ कर दी है। नवबारा समाचार बस्सी चित्तौड़गढ़ से गोपाल खटीक। क्या घटना हुई आपके साथ आज? दो जने आए थे, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने बोला कि क्या हुआ भैया, मैंने बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कि ठीक है हम स्टार्ट करके देते हैं। उसने बोला कि मैंने बोला कि भैया ठीक है। उसने बोला कि स्टार्ट होके गए, दो राउंड काट के आए हो, दो राउंड काट के आए कि स्टार्ट हो गई, चलो बैठो भैया। बैठ गए हमें, फिर मम्मी को बोला कि आप बैठो। मम्मी भी बैठ गई, ऐसे टांग किया स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करके कलेज ही छोड़ रहा था, इधर से गला पकड़ लिया, पकड़ के रामनामी को पकड़ लिया, पकड़ के चक्कू लगा के दूसरे में नहीं, पहले मैंने चीरा लगा, दूसरे में दूसरी बार लगा जब लेके गया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैं चला गया स्टार्ट करके। आपने पीछा किया उनका? पीछा नहीं किया। वो किस तरफ आगे? फिर ये इधर आए थे बस्सी, बस्सी की तरफ। कितने जने थे? दो जने। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? बड़ी गाड़ी थी, वो गाड़ी वो इतना खड़ी दूर करके आया खड़ी। क्या फोर व्हीलर थी? नहीं, मोटरसाइकिल थी। नंबर देखे आपने? नंबर नहीं देखा, गाड़ी इतना दूर खड़ी करके।